नमस्कार, नवजीवन बुलेटिन में आपका स्वागत है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ दिल्ली में आज दो बड़े प्रदर्शन किए जाएंगे। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश की राजधानी में आज दो बड़े प्रदर्शन होंगे। पहला भीम आर्मी द्वारा जामा मस्जिद से जंतर मंतर और दूसरा जुमे की नमाज के बाद जामा यूनिवर्सिटी के बाहर। हालांकि भीम आर्मी को प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस ने इजाजत देने से मना कर दिया है। नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 150 लोगों को गिरफ्तार किया है और 19 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। गुरुवार को लखनऊ में हुई हिंसा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभी तक 150 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 19 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। हिंसक प्रदर्शन के चलते यूपी के 13 जिलों में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। यूपी के गाजियाबाद, लखनऊ, संभल, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, बरेली, आगरा, पीलीभीत, प्रयागराज, मऊ, आजमगढ़ और फिरोजाबाद में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। महाभियोग प्रस्ताव को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत ट्रायल की मांग की है। डोनाल्ड ट्रंप पर लगे आरोपों के बाद अमेरिकी संसद में प्रस्तावित महाभियोग को लेकर ट्रंप ने तुरंत ट्रायल की मांग की है। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेट्स के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। बता दें कि ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव निचली सदन यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पास हो चुका है। अब अगर सीनेट में भी यह पास हो जाता है तो ट्रंप को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। और उन्नाव गैंगरेप केस में दोषी कुलदीप सेंगर की सजा का ऐलान आज किया जाएगा। उन्नाव रेप केस में नाबालिग लड़की से रेप के मामले में दोषी बर्खास्त बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की सजा का आज ऐलान किया जाएगा। इस मामले में दिल्ली की 30,000 कोर्ट में बहस के बाद सजा पर फैसला लिया जाएगा। सोमवार को कोर्ट ने कुलदीप को इस मामले में दोषी करार दिया था।